हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपीटर प्लस सी वीडियो रिजल्ट के बारे में। जो रिज़ल्ट है कब तक आ जाएगा, जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आप सबको पता है कल हमारी कोर्ट केस में हियरिंग थी। तो दोस्तों जल्दी ही आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा, जारी होगा वीडियो का परिणाम। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ खुशखबरी लेकर आए हम आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलती है यूपीटर प्लस सी वीडियो रिजल्ट के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की पल पल की अपडेट। तो जैसे ही दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो ये हमारी कोर्ट केस का स्टेटस है। अगर आप हमारी वीडियो देखते होंगे तो ऐसा ही कुछ स्टेटस जो हम एसएससी सीजीएल के लिए भी लेके आते थे, जो 2017 का सुप्रीम कोर्ट केस में केस चल रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों। फर्स्ट हियरिंग डेट थी वो थी हमारी 25 अप्रैल को, जो डेट ऑफ डिसीज़न है वो है 13 मई को, और जो केस है डिस्पोज हो चुका है, यानी जो केस है ख़त्म हो चुका है हमारा। तो जल्दी जो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा उस डेट के बारे में बताएंगे आपका, जो रिज़ल्ट है वो किस डेट तक आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हो सुनीत कुमार जी हमारे, और एडवोकेट है हमारे मुजीब अहमद सिद्दीकी, और पेटिशनर है सुजीत कुमार। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से पढ़ सकते हो, वरना अगर आपको ये चाहिए हाई कोर्ट हमारा देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद स्टेट यूपी। तो दोस्तों इसमें अब बात करते हैं हम, जो आपका रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है जो हमारे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी वोटिंग हो रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है जैसे ही हमारे चुनाव ख़त्म हो जाएंगे 23 तारीख को जो है फाइनल डिसीजन आ जाएगा, जो हमारे पीएम है कौन बनने वाले हैं। उसके बाद मई के एंड तक जो आपका रिज़ल्ट है वो किसी भी डेट को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी छात्रों का जो रिज़ल्ट है उसको डिक्लेयर कर दो, क्योंकि छात्र काफ़ी परेशान है। तो आयोग ने कहीं ना कहीं ये कहा है जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाएंगे जो हम रिज़ल्ट है डिक्लेयर कर देंगे। तो जो दोस्तों आपको जो रिज़ल्ट है इसी वजह से रोका जा रहा था, कहीं ना कहीं इसमें चुनाव का जो था वो फ़र्क पड़ रहा था, तो इसी वजह से, और काफ़ी कुछ नाकामी है ये आयोग की तरफ से। तो दोस्तों आपके लिए यही खुशखबरी है कि मई के एंड तक और जून के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो 100% जारी कर दिया जाएगा। तो यही कुछ खास अपडेट लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पता लग सके जो रिज़ल्ट है वो कब तक आने वाला है। तो दोस्तों यही कुछ खास अपडेट थी आपके लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।